नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में नहीं थम रहा है रफ्तार का कहर, घर में घुसा अनियंत्रित ट्रक, 3 बच्चे की हुई दर्दनाक मौत। देश के 20 राज्यों में पहुंचा मानसून, झमाझम हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। आसमानी बिजली ने 2 लोगों की ली जान, ठनका की चपेट में आने से 3 की हालत गंभीर। बांका में अवैध संबंध को लेकर युवक की पीट पीट कर ग्रामीणों ने ली जान, परिजनों में मचा कोहराम। और भागलपुर में खुला यूनियन बैंक का रीजनल कार्यालय, लोगों को मिलेगा लाभ। अब समाचार विस्तार से। जिले में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार की अहले सुबह भागलपुर नवगछिया परवत्ता थाना क्षेत्र विक्रमशिला पहुंच मार्ग जाह्नवी चौक के समीप तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे बनी झोपड़ी में जा घुसी। दुर्घटना में झोपड़ी के अंदर सो रहे 1 बच्चे एवं 2 बच्चियों की मौत मौके पर ही हो गई। घटना की सूचना जैसे ही परवत्ता थाना पुलिस को मिली, वैसे ही आसपास के कई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से रेस्क्यू कर ट्रक एवं 3 बच्चों के शव को बाहर निकाला गया। बता दें कि घटना में 2 बच्चे एवं उसके माता पिता बाल बाल बच गए, जबकि 3 बच्चे के अलावा 2 पशु की भी मौत हो गई। बताया गया है कि सड़क किनारे चाय नाश्ता की दुकान चलाकर गुजारा करने वाले चंद्रदेव मंडल का परिवार अपने 5 बच्चों के साथ घर में सोया हुआ था, तभी तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक अपना आपा खोकर झोपड़ी में घुस गई। घटना के बाद काफी देर तक सड़क पर आवागमन बाधित रहा, जबकि आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर सड़क जाम कर दिया और सरकार से मुआवजे की मांग करने लगे। साथ ही आक्रोशित लोगों ने सरकार एवं पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मृतक बच्चों में 14 वर्ष के सूरज कुमार, 11 वर्ष की चंदा कुमारी एवं 9 साल की पूजा शामिल है। घटना के बाद पूरे परिवार में मातम का माहौल है। उसको निकालते नहीं निकल रहा है, उसको निकाल दिए, धीरे धीरे निकाल के वो तीनों इतने आदमी वो खुदा आवाज नहीं किया, खराब हो गया, तीनों आवाज मुझे नहीं निकला। ये रात की 2 बजे की घटना है। भागलपुर की ओर से ट्रक आ रही थी, नवगछिया की तरफ जा रही थी, अनियंत्रित होकर के दुकानदार के घर में पलटी मार दिया, जिसमें जो 3 बच्चा सोया हुआ था और 1 मवेशी था गाय, वो जो है मर गई है। और जो है बच्चे लोगों का जो है पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेजा गया है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देश के 80% हिस्से में मानसून पहुंच चुका है। मानसून की बारिश 20 से ज्यादा राज्य में हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अब तक सामान्य से 22% अधिक वर्षा हुई है। वहीं गुरुवार को भागलपुर में मौसम में अचानक तब्दीली दिखी। दोपहर में शहर में घने बादल छा गए, इसके बाद रुक रुक कर तेज बारिश होती रही। मौसम में तब्दीली से जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, वहीं दिन में ही लोगों को सड़क पर वाहनों की लाइट जलानी पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल तेज बारिश के आसार नहीं हैं, हालांकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण वर्षा हो सकती है। गुरुवार को जमकर बारिश होने के कारण लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन बारिश के कारण शहरवासियों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भागलपुर में बारिश एवं तेज आंधी के कारण अलग अलग जगह हुए वज्रपात में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। गुरुवार को आई तेज आंधी एवं बारिश के दौरान हुए वज्रपात की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि गोराडी प्रखंड क्षेत्र में ठनका गिरने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज डॉक्टरों से कराया जा रहा है। बता दें कि ठनका गिरते वक्त यह 3 लोग खेत में मूंग तोड़ रहे थे। वज्रपात की पहली घटना जहां भवानीपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर नवटोलिया में हुई, वहीं दूसरी घटना नवगछिया थाना क्षेत्र के मिल्की गाँव की है। नवटोलिया निवासी मोहम्मद रफीक की 12 वर्षीय पुत्री सोनम और मिल्की गांव के 18 वर्षीय कुंदन यादव की मौत वज्रपात से हो गई, जिसके बाद परिजन काफी सदमे में हैं। घटना यहां से धान का बिया लेके बिहार बोने के लिए गया, धान का बिक्री ठीक है, तो एक बैग तड़कने लगा ठंड का, उसके बाद लगा तो गिर गया, वहाँ खेत में बेहोश हो गया। कितने आदमी घायल है? 3 आदमी घायल है, उसके बाद फिर हम लोग उठा के लाए यहाँ, उसके बाद फिर इलाज हम लोग कर पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की लाख कोशिश के बावजूद शहर में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। लोग कानून अपने हाथ में लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। ताजा मामला बांका थाना क्षेत्र के लोथम पंचायत के भदरिया गांव का है, जहां 22 वर्षीय एक युवक की महिला से अवैध संबंध होने के कारण महिला के परिजनों ने पीट पीट कर हत्या कर दी।
मामले को लेकर बताया गया कि मृतक का नाम महेश यादव है। मृतक बेंगलोर में रहकर दिहाड़ी मजदूर का काम करता था और लॉकडाउन में अपने घर वापिस आया था। इसी दौरान गांव की ही एक विवाहित महिला से उसे प्रेम हो गया। बुधवार की सुबह महेश महिला से मिलने उसके घर गया था, जहां ग्रामीणों ने महेश को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद महेश की बेरहमी से पिटाई करने लगे और उसकी हत्या कर दी। सूचना मिलते ही बांका पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना को लेकर मृतक के पिता ने 13 लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि गांव के ही एक दंपत्ति को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस हत्या की हर पहलू की जांच कर रही है। भागलपुर में यूनियन बैंक के पहले रीजनल कार्यालय का उद्घाटन गुरुवार को AGM अशोक उपाध्याय ने रिबन काटकर किया। इसके पूर्व बैंक परिसर में विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। वहीं शहर के खलीफाबाग चौक स्थित यूनियन बैंक मेन ब्रांच में रीजनल ऑफिस होने से बैंक कर्मियों में काफी खुशी देखी गई। क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद रीजनल मैनेजर ने अपने सहयोगी कर्मियों के साथ मिलकर केक काटा एवं एक दूसरे को बधाई दी। वहीं AGM अशोक उपाध्याय ने बताया कि गुरुवार को बैंक कर्मियों द्वारा 7 ई रिक्शा मालिकों को लोन द्वारा लिए गए वाहनों की चाबी सौंपी गई। साथ ही 5 लाभुकों को किसान क्रेडिट कार्ड, 9 लोगों को पर्सनल लोन के साथ साथ कार लोन एवं मुद्रा लोन भी दिया गया। वहीं रीजनल मैनेजर ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालय खुलने से भागलपुर के अलावा मुंगेर, लखीसराय, बांका, जमुई, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा समेत कई जिलों की कमांड यहीं से संभाली जाएगी और ग्राहकों को इससे काफी फायदा मिलेगा। मौके पर यूनियन बैंक के ब्रांच मैनेजर कुंदन प्रताप सिंह, बालकृष्ण पोद्दार, अधिवक्ता केशव झा, राशिद अनवर सहित अन्य बैंक कर्मी मौजूद थे। सबसे पहले मैं बताऊं कि ये क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर का स्थापना का मुख्य वजह यह था कि जब आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक मर्जर होने के बाद बहुत सारे ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस बिहार में बढ़ गए, तो बिहार में इसलिए पहले दो ही क्षेत्रीय कार्यालय थे, पटना और समस्तीपुर, इसलिए फिर एक भागलपुर रखा गया जिससे कि सभी क्षेत्रों का ठीक से निष्पादन हो सके। इस भागलपुर में टोटल 59 ब्रांचेस हैं। इस 59 ब्रांचेस में खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, बांका, जमुई, मुंगेर, करीब 12 जिला ये मतलब सेवा करने का मौका मिलेगा। भागलपुर शहरी क्षेत्र में कोरोना वायरस लगातार पांव पसार रहा है। अब तक जिले में 400 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 300 से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। वहीं जागरूकता की कमी के कारण कंटेनमेंट जोन की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। भागलपुर नगर निगम के उपनगर आयुक्त सत्येंद्र प्रसाद वर्मा ने बताया कि निगम क्षेत्र के आनंदगढ़, मिर्जान हाट, मुंदी चक, खरमन चक, झौवा कोठी एवं पर्वती में कंटेनमेंट जोन बनाई गई है और जिन इलाके में नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं उसे सील करने की प्रक्रिया चल रही है। उपनगर आयुक्त सत्येंद्र प्रसाद वर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन का आदेश मिलने के बाद बरेपुरा के इस्लामनगर, मायागंज के नरसिंह क्वार्टर और तिलकामांझी के लालबाग इलाके को सील कर दिया जाएगा। देखिए, लॉकडाउन 1 जब से प्रारंभ हुआ है तब से लेकर के आप आज तक नगर निगम क्षेत्रांतर्गत 6 कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं और अभी और आगे हमको विश्वस्त रूप से पता चला है कि इस्लाम नगर में भी कोरोना पॉजिटिव के केस पाए गए हैं, तो वहां भी कंटेनमेंट जोन, जैसे ही अनुमंडल पदाधिकारी का पत्र आएगा तो वहां भी हम लोग कंटेनमेंट जोन में उसको सील करने का काम करेंगे, जो सरकार का गाइडलाइन है उसके अनुरूप। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में EEG, ECT एवं MBT के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे AC, नॉन AC, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे, डॉक्टर शशिकर MD रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी MRI स्कैन,
मल्टी स्लाइस होल बॉडी सिटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है, जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है, तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ENT हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर HI फारूक की देखरेख में किया जाता है। डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है, और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए AC, non-AC जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट, चंपा नगर, भागलपुर। नमस्ते, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आपसे अपील करती है कि कोरोना वायरस से बचें। कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और वो यूज किया हुआ टिश्यू पेपर तुरंत ढक्कन डाल कचरे के डब्बे में फेंक दें। कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं। किसी को खांसी, सर्दी या सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो उससे 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने गंदे हाथ आंख, नाक, मुंह में ना सटाएं। आपको ये छोटी छोटी सावधानी आपको बहुत काम आ सकती है। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नवगछिया पर्वत्ता थाना क्षेत्र के 14 नंबर सड़क पर गुरुवार को ऑटो एवं बाइक के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक पर सवार युवक संजीत कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक संजीत नवगछिया के छर्रा पट्टी का रहने वाला था और बाइक से भागलपुर जा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही परिजन संजीत को लेकर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। गौरतलब हो कि जिले में तेज रफ्तार और जर्जर सड़क के कारण लोग सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं। इसके बावजूद न तो प्रशासन इस पर कोई ध्यान दे रही है और न ही तेज रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कर्मी बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर गुरुवार को भी कलमबंद हड़ताल पर रहे। 2 दिवसीय कलमबंद हड़ताल के अंतिम दिन सभी कर्मी अपने अपने विभाग तो जरूर पहुंचे, लेकिन अपनी शाखाओं में ही पेन डाउन कर संघ का समर्थन करते दिखे। इसके बाद विश्वविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के महासचिव रंजीत कुमार यादव के नेतृत्व में सभी कर्मी प्रशासनिक भवन में ही धरना पर बैठ गए। कर्मचारी संघ के महासचिव रंजीत यादव ने कहा कि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 25% कटौती का आदेश सरकार को वापस लेना होगा। वहीं कोषाध्यक्ष सर्वानंद प्रसाद ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। मौके पर अशीम कुमार, सुरेश चौधरी, नील माधव मिश्रा, रविंद्र यादव समेत कई कर्मी मौजूद थे। हम लोग जो है बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर बिहार के हर विश्वविद्यालय में कलमबंद हड़ताल जो है कर्मचारियों का किया गया है। इसका कारण यह है कि विश्वविद्यालय कर्मी को राज्य सरकार अपने कर्मियों की भांति एक एक जैसे 1/16 का वेतनमान है, उसका एरियर वगैरह का भुगतान अपने यहाँ कर दिया और हमारे यहाँ जो है हमारे एम्प्लाई को नहीं किया गया। इसके चलते भी इसके अलावे जो है क्या कहते हैं हम राज्य सरकार समय समय पर अपने कर्मचारियों के लिए जो भी वेतन भत्ता या जिस भी तरह का आर्थिक लाभ देती है
उसी के हूबहू हमें भी मिलना है, परंतु सरकार जो है हमारे साथ भेदभाव करती है। आगे क्या कीजिएगा? आगे हम लोग जो है महासंघ के आह्वान पर महासंघ का जो कार्यक्रम होगा उसमें पूरे जोश खरोश के साथ हम लोग महासंघ के साथ हैं। महासंघ का जो डायरेक्शन आएगा, जो भी निर्देश आएगा, हम लोग उसके अनुसार जो है चरणबद्ध रूप से आंदोलन करेंगे। भागलपुर नगर निगम में आधार कार्ड बनाने के लिए लोगों की काफी भीड़ जुट रही है। एक तरफ जहां नगर निगम प्रशासन कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, वहीं दूसरी तरफ निगम कार्यालय में ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। गुरुवार को आधार कार्ड सेंटर पर लोग एक दूसरे से सटकर खड़े रहे, लेकिन किसी ने भी इन्हें हटाने का प्रयास नहीं किया। बारिश होने के कारण आधार कार्ड बनवाने आए लोगों को काफी परेशानी हुई। आधार कार्ड बनवाने के लिए जिस तरह निगम परिसर में शहर के लोगों की भीड़ उमड़ रही है, यह कहीं न कहीं कोरोना वायरस को दावत दे रही है। लापरवाही की हद तो तब हो गई जब निगम प्रशासन ने नगर निगम के गेट पर हैंड सैनिटाइजर तक की व्यवस्था नहीं की है। विज्ञान चाहे जितनी भी प्रगति कर ले, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अंधविश्वास सर चढ़कर बोलता है। ताजा मामला अमरपुर थाना क्षेत्र के नूरगंज फतेहपुर गांव का है, जहां एक 8 वर्षीय बच्ची की मौत संदिग्ध स्थिति में हो गई। बच्ची की मौत के बाद उसके परिजन ने बच्ची का शव गांव कहीं प्रहलाद पद्दार के घर के सामने रख दिया और उसकी पत्नी स्वर्णा देवी को डायन बताकर जमकर बवाल किया। नूरगंज निवासी पवन मंडल की पुत्री रानी कुमारी की अचानक हुई मौत से आहत उसकी दादी सुगंधा देवी एवं पिता ने कहा कि प्रहलाद ने व्यवसाय के लिए कुछ पैसे लिए थे। पैसे लेने के लिए स्वर्णा देवी उसके घर आई थी, लेकिन स्वर्णा देवी के जाते ही बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई एवं काफी इलाज कराने के बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ, जिस कारण बुधवार की देर रात रानी की मौत हो गई। बवाल बढ़ता देख ग्रामीणों ने मामले की जानकारी अमरपुर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया। कितना? 10,000। अच्छा, एक महीना का ब्याज इसको दे दिए थे और दूसरा महीना का ब्याज लाने के लिए गया। मेरा बेटी साग काट रहा था, उस दिन उसको नहीं दिए पैसा, और पैसा नहीं दिए और इकला एंगन से गेट पे, और उसके बाद मेरा बेटी पूरा धरती के लेटने लगा, मायमी पेट छाती खकोरने लगा। भागलपुर में गुरुवार को हुई बारिश के कारण भोलानाथ पुल समेत शहर के कई मोहल्ले में जल जमाव की स्थिति बन गई। एक ओर जहां सरकार एवं नगर निगम प्रशासन की लापरवाहियों के कारण हल्की बारिश में भी भोलानाथ पुल के समीप भीषण जल जमाव हो गया, वहीं वार्ड नंबर 34 भिकनपुर भट्टा रोड में भी सड़कों पर जल जमाव की स्थिति बन गई। हाल यह है कि जब कभी भी बारिश होती है तो इस सड़क एवं आसपास के गलियों में भी पानी जमा हो जाता है, जिससे बारिश और नाले का पानी लोगों के घर एवं दुकानों में प्रवेश कर जाता है। नाले का पानी दुकानों एवं घरों में जाने से जहां लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इससे कीड़े मकोड़े और बीमारियां फैलने का भी खतरा बना रहता है। गौरतलब हो कि इस मार्ग में रहने वाले एवं गुजरने वाले लोगों को हल्की सी बारिश में भी नाले की पानी से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन अब तक इसके समाधान के लिए ना तो किसी जनप्रतिनिधि ने पहल की है और ना ही प्रशासन के आला अधिकारियों ने इसकी सुध ली है। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र स्थित दोगच्ची निवासी पीडीएस डीलर विष्णुदेव मंडल के घर में बीती रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें पीड़ित डीलर की लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना को लेकर पीड़ित विष्णुदेव मंडल ने कहा कि शॉर्ट सर्किट से अचानक लगी आग की लपटें काफी तेज थी, जिससे घर के साथ दुकान भी आग की चपेट में आ गया और दुकान में रखा सारा राशन सामग्री जलकर खाक हो गया। डीलर ने कहा कि घर में सोई उसकी बेटी भी आग की चपेट में आ गई, लेकिन ग्रामीणों की मदद से किसी तरह बच्ची को बचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही नाथनगर पुलिस अग्निशमन वाहन लेकर मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। घटना की जानकारी नाथनगर विधायक लक्ष्मीकांत मंडल को मिली तो वह पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। विधायक ने तत्काल राहत के लिए पीड़ित परिवार को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया और नुकसान का आकलन कर जिला प्रशासन को मुआवजा दिलाने की बात कही। घटना करीब सर जब हम जगे, पहले आवाज हुआ यहाँ पर तो ऊपर में था एक लोग, तो वही कहा कि बाबू हो दो आग लगी, तो हम तो सर उसमें थे, यहाँ किवार लगा हुआ था, जब आए तो देखते हैं कि वहाँ फड़ाफर उसमें तार में लगा हुआ, इधर तार में लगा हुआ, एकदम एक बैग चारों बगल से, तब ऊपर से हल्ला करने लगा, तब गांव का लोग जुटा। दोगच्छी ग्राम बसंतपुर जो कि रन्नू चौक पंचायत में है, रात को 12:30 बजे बिजली के शॉर्ट सर्किट होने के कारण विष्णुदेव मंडल जो कि पीडीएस जन वितरण प्रणाली के जाकर के विक्रेता है, उसके घर में आग लग गया शॉर्ट सर्किट का, जिसके कारण लगभग 200 क्विंटल जाकर के चावल गेहूं जो कि पीडीएस का था वह जाकर जल गया, और करीब करीब 80 क्विंटल जो कि इनके घर का जाकर के मकई था, चावल था, वे जल गया। इस घड़ी में हम सभी लोग
राजक गठबंधन के साथी आए हुए हैं और इस दो घड़ी में बीबी सुनदेव मंडल के साथ हम लोग हैं और हम लोग संतुना देते हैं क्योंकि आपका यह जो संकट हुआ है इस संकट घड़ी में हम लोग पूरा परिवार जदयू अराजक गठबंधन परिवार साथ में है। गोराडी प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक भवन में पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सुलेखा देवी ने की। बैठक में प्रधानमंत्री सात निश्चय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य मुद्दों के साथ साथ राशन वितरण में हो रही अनियमितता का मुद्दा छाया रहा। बैठक में बताया गया कि कृषि इनपुट में पंचायत के दलाल सक्रिय हैं। कृषि समन्वयक की मदद से किसी को भी रैयत या किसान बनाकर चल रही योजना के तहत मोटी रकम मुहैया कराई जा रही है, जिससे जो इस लाभ के वाजिब हकदार हैं वो सरकारी मदद से वंचित रह रहे हैं। यह सारा काला कारोबार मोटी कमीशन पर चलती है। इसके साथ ही पंचायत समिति के सदस्यों ने सात निश्चय योजना सहित कई योजनाओं में धांधली का आरोप लगाया। साथ ही डीलरों द्वारा प्रखंड में अनाज वितरण में गड़बड़ी का आरोप एक स्वर में सभी प्रतिनिधियों ने उठाया। कुल मिलाकर पंचायत समिति की बैठक हंगामेदार रही। बैठक में प्रखंड के सभी मुखिया सहित पंचायत समिति के सदस्य मौजूद रहे। आज गोराडी पंचायत समिति की बैठक थी, जिसमें मुख्य रूप से मनरेगा की योजना जो कि ग्रामीण विकास विभाग से पत्रांक 980 दिनांक 26/5/2020 के माध्यम से जो पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए निजी जमीन पर की योजनाओं को भी करने का आदेश दिया गया है, उसी के आलोक में हम लोगों ने पंचायत की योजनाओं को, पंचायत समिति की योजनाओं को पंचायत समिति की बैठक में सर्वसम्मति से पारित की। भागलपुर छोटी खंजरपुर स्थित आनंद क्लिनिक ने गुरुवार को आयुर्वेद एवं स्पर्श विधि से लोगों का उपचार किया। इस दौरान चेन्नई से आए डॉक्टर बी ओम प्रकाश ने टच थेरेपी के माध्यम से लोगों का उपचार किया और बिना किसी मेडिसिन के कई बीमारियों का इलाज किए जाने की बात कही। जबकि डॉक्टर अनुप कुमार आर्य ने आयुर्वेद विधि से उपचार कर लोगों को बेवजह बार बार मेडिसिन का उपयोग नहीं करने की सलाह दी। कलवार सभा द्वारा आयोजित शिविर में संयोजक शंभु प्रसाद भगत ने कहा कि 28 जून से प्रत्येक रविवार को आनंद क्लिनिक में निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पहले आने वाले 20 मरीजों को स्पर्श थेरेपिस्ट एवं आयुर्वेद चिकित्सक जांच कर परामर्श देंगे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में नहीं थम रहा है रफ्तार का कहर, घर में घुसा अनियंत्रित ट्रक, 3 बच्चे की हुई दर्दनाक मौत। देश के 20 राज्यों में पहुंचा मानसून, झमाझम हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। आसमानी बिजली ने 2 लोगों की ली जान, ठनका की चपेट में आने से 3 की हालत गंभीर। बांका में अवैध संबंध को लेकर युवक की पीट पीट कर ग्रामीणों ने ली जान, परिजनों में मचा कोहराम। और भागलपुर में खुला यूनियन बैंक का रीजनल कार्यालय, लोगों को मिलेगा लाभ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।